दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूपीएससी टॉपर ऑल इंडिया रैंक थर्ड रैंक से पंजाब के जामिनी सिंगला ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूरा भारत के अंदर थर्ड रैंक लाया है। उन्होंने ये भी बताया है उनका फर्स्ट चॉइस थे आईएएस ऑफिसर और सेकंड चॉइस आईपीएस ऑफिसर। इन्होंने आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी और नवज सिमी से प्रेरणा लेके यहाँ तक पहुंची है और इनको थर्ड रैंक से एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। आज इस वीडियो में उनकी जुड़ी कुछ ऐसे ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप ना जानते हो। उन्होंने बीटेक करने के बाद पीईसी में जॉब मिल गया था जेपी मोगराजिस में। जॉब में 6 महीने के बीच जाने के बाद उन्होंने जॉब से रिजाइन लेके उन्होंने दोबारा से ही यूपीएससी में प्रयास किया और इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट पे ही एक कामयाब हासिल किया। इन्होंने भी बताया उनका कोचिंग टीचर प्रोफेसर राजेश भाटिया उनसे उन्होंने कोचिंग किया था। उनके इस कामयाब होने के पीछे उनके पापा का बहुत बड़ा हाथ भी है। उनके पापा इनके पीछे बहुत मेहनत किया और इनको इस सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत किया था उनके पापा उनके साथ साथ। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था डे 9 से 10 घंटे तक कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किया था, उस मेहनत का रंग लाया है अभी ऑल इंडिया रैंक थर्ड रैंक से एक आईएएस ऑफिसर बन के। उनके फुल नेम की बात करें तो जामिनी सिंगला ही है, निकनेम से उनको जामिनी बुलाते हैं, प्रोफेशनल से आईएएस ऑफिसर। फिजिकल स्टेटस की बात करें तो हाइट है 5 फीट 5 इंच का हाइट है, वेट की बात करें तो 65 किलोग्राम वेट है। 2022 की सबसे उनको उम्र होता है 23 साल। बर्थ प्लेस आनंदपुर साहिब पंजाब में जन्म हुआ। कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से किए थे और एजुकेशनल की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऊपर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। रिलीजन की बात करें तो हिंदू परिवार से है, कास्ट है बनिया। अब बात करें तो उनका फैमिली के बारे में, उनके फादर अशोक सिंगला जो कि एक MBBS डॉक्टर है और उनके मदर नीरज सिंगला और उनके एक ब्रदर है इंजीनियर तुषार सिंगला। चलिए दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।